उधर दूदू में फागी उपखंड के लासाड़िया गांव का एक युवक देर रात को पानी में डूबा। एसडीएम और एसएचओ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से रात 10 बजे से 3 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब एसडीआरएफ की टीम ने एक बार फिर से सुबह पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू किया है। चलिए बात करें मानसून की, तो मौसम विभाग को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर आज से फिर से प्रदेश में मानसून एक्टिव होगा। जयपुर समेत 5 संभागों में ज्यादा सक्रिय होगा मानसून। जयपुर के साथ साथ अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग में मेघ बरसेंगे। नए सिस्टम के असर से 3 दिन तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो एक बार फिर से प्रदेश में मानसून सक्रिय है और 5 ऐसे संभाग है रीजन से जहां पर तेज बरसात होने का अलर्ट है। 22 जिलों में यह अलर्ट है जहां पर 2 से 3 दिन तक तेज बारिश होगी। जयपुर समेत कोटा, अजमेर ये संभाग ऐसे हैं, भरतपुर जहां पर तेज बरसात देखने को मिलेगी, उदयपुर संभाग में तो पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली खबर धौलपुर से। शहर की अधिकांश सड़कें पानी से लबालब है और बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। शहर के जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है और निकास यहां से नहीं होने की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाजार में भरने की वजह से बाजार सूने हैं और पानी भरा होने की वजह से दुकानें खोलने में दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। नगर परिषद प्रशासन को ये लोग जो है वो कोसते भी नजर आ रहे हैं। दुपहिया वाहन चालक यहाँ पर वाहन बंद करके गड्ढों से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार इन गड्ढों की वजह से हादसे हो रहे हैं। जलभराव की वजह से ये पता नहीं चल पाता कि सड़कों पर कहाँ गड्ढे हैं और ऐसे में आए दिन वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें धौलपुर से है। शहर में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं उचित और उसकी वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। ये देखिए जरा किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। तो आई प्रतापगढ़ का जाखम बांध लबालब हो गया है और मानसून के अंतिम दौर में अच्छी बारिश के चलते सभी बांध लबालब हो चुके हैं। जाखम बांध की भराव क्षमता 31 मीटर है और आज सुबह तक 31 मीटर तक पानी पहुंच गया, जैसे कि कभी भी ये बांध ओवरफ्लो हो सकता है और कभी भी पानी की चादर चल सकती है। आपको बता दें 2006 में भी सबसे बड़ी चादर चली थी, रिकॉर्ड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की चादर चली थी और जो कि अब तक एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। तो आपको बता दें 1986 से लेकर 2022 तक 31 मीटर भराव क्षमता वाला जाखम बांध 21 बार छलका है और कम बरसात के चलते साल 2023 में 2.5 मीटर खाली रह गया था। तो वहीं जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में जाखम बांध का प्राकृतिक सौंदर्य। अगली खबर धौलपुर से है। यहां पर जिले में बारिश का दौर जारी है और सुबह से ही धीमी तो कभी तेज बारिश हो रही है। अब बारिश होने की वजह से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, तो वहीं बारिश होने की वजह से निचले और जलभराव वाले क्षेत्रों में और ज्यादा स्थिति चिंतित हो चुकी है, चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। पिछले 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुके हैं और बारिश यहाँ पर लगातार जारी है और अब फिर से लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ रहा है।
धौलपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लगातार दो घंटे से बरसात का दौर जारी है। कभी रिमझिम बरसात है तो कहीं तेज हो रही है और एक बार फिर से यहाँ के जो वासी हैं उनके लिए परेशानी का सबब, क्योंकि पहले से ही जलभराव है कई क्षेत्रों में और इस तेज बारिश के बाद और लगातार बारिश के बाद और ज्यादा जल स्तर बढ़ता नजर आएगा, तो ऐसे में लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। पिछले दो घंटे से ज्यादा वक्त हो चला है जब लगातार यहां पर बरसात हो रही है, तो ऐसे में निचले इलाके और पहले से ही जहां पर जलभराव की समस्या थी वहां पर और ज्यादा जो वाटर लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। सुबह से ये बरसात का दौर शुरू हो गया और ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को खासा तौर पर परेशानी हुई, साथ के साथ जिन्हें दफ्तर जाना था वो भी परेशान नजर आए।